Hey guys, welcome to another full day of eating video. So some of you guys requested me that you want another full day of eating video. So मैंने Instagram पे एक poll भी किया था and around 90% से above लोगों ने कहा कि वो full day of eating video चाहते हैं. So here is the full day of eating video. So I'll show you guys my first meal. So मैं around 2100 calories ले रहा हूँ, around 160 gram of protein, around 330 gram of carbs, around 60 gram of fat, and ये मेरे macros हैं, and मैं अपनी first meal लूँगा. First meal में mainly मैं यही लेता हूँ. I'll show you guys first. So these are 7 egg whites, 3 egg yolks, and मैं diet coke इसके साथ लेता हूँ, जो बहुत ही help करती है satiety provide करने में. And ये इस meal के बाद मैं काफी time तक कुछ खाता नहीं. Normally मैं कई बार veggies भी लेता हूँ, बट आज मेरे पास वेजेस नहीं है, सो मैं वेजेस नहीं लूँगा. मे बी मैं बाय कर कर शाम को फिर लूँगा, आई डोंट नो. एंड इसके साथ मैं लूँगा 3 कैप्स ऑफ ओमेगा 3 नाउ के कैप्स है. सो गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट मील. नाउ मैं इसको लूँगा और मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. हे गाइस, इट्स बीन लाइक 4-5 आवर्स सिंस वी टुक आवर फर्स्ट मील. मैं मार्केट गया, मुझे कुछ बाय करना था जो मुझे अभी कुक करना है. So that's why मुझे थोड़ा बहुत टाइम लग गया. I'll show you guys what I'm going to have. First I'll show you कि I went to market and they were like they were giving one free with three, like get buy three get one. So I bought all of these. So two of these are going to be my packing meal. So इनमें इनको मैं डालूँगा इसमें. So इसको मैं इसमें डालूँगा. Then I'll add around 300 gram of milk. And this is 100 gram of virka paneer, around to be exact 94, and 70 gram of chicken breast. वैसे मैंने around 100 gram of chicken breast लेनी थी, but ये virka paneer मेरे पास पिछले 3-4 दिन का पड़ा है, and इसकी I don't know if you guys can see it. Oh sorry, इसकी expiry date 18th Feb है. So आज 18th Feb है, so अगर मैं इसको नहीं use करूँगा तो waste में चला जाएगा. So that's why I'm going to have it. इसका डाउनसाइड ये है कि इसमें प्रोटीन तो है, बट इसमें फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है. बट मुझे आज के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे 30 रुपीज़ वेस्ट जाएंगे. वैसे ही मैं बहुत वेस्ट करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि और करूँ मैं. सो या आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस मील प्रॉपरली, देन आई विल शो यू गाइस. सो गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड मील. ये है अराउंड 80 ग्राम ऑफ ओट्स, 350 ग्राम ऑफ मिल्क. ये है 70 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 95 लाइक अराउंड आप कह सकते हो 100 ग्राम ऑफ वेर का पनीर. सो दिस विल गिव मी अराउंड 56 ग्राम ऑफ कार्ब्स फ्रॉम ओट्स, अराउंड 14 ग्राम ऑफ कार्ब्स फ्रॉम मिल्क, अराउंड 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन फ्रॉम ओट्स, अराउंड आई विल से लाइक अराउंड 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 10 टू 11 ग्राम ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मिल्क. 70 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट विल गिव मी अराउंड हाउ मच, 7 to the 14, and around 17 gram of protein, and this will give me around virka paneer will give me around 19 gram of protein and around 22 gram of fat. So yeah, that's my meal. I'm going to have it now because I'm feeling really hungry. I'll meet you guys in the next one. Hey, what's good guys, time is around 4:20 and abhi maine third meal nahi liya. So ब्लैक चिकपीस कुक हो रहे हैं एंड मेरा चिकन भी बाहर कुक हो रहा है बिकॉज किसी की मैरिज हो रही है बाहर. सो ये चिकन कुक हो रहा है मेरा इलेक्ट्रिक कुकर में. सो आई नो यू गाइस कैन सी बट स्टिल ट्राई टू सी. इसको मैं रखूँगा, मुझे कहीं इतनी हंगर नहीं फील हो रही. यस्टरडे आई रेड एन आर्टिकल, उसमें लिखा था कि च्यूइंग गम भी आपको एपेटाइट कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है. दैट्स व्हाई आई एम च्यूइंग गम. सो आई एम थिंकिंग अबाउट हैविंग दिस नेस्ले दही. सो मैंने यस्टरडे दही बाय किया था बिकॉज इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं. सो अराउंड 100 ग्राम दही में 72 कैलोरीज होती हैं, ये बहुत कम है. ये अराउंड एक फ्रूट के इतनी कैलोरीज हैं एंड इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो आई विल शो यू हाउ आई एम गोइंग टू हैव इट. सो इसमें आई विल ऐड सम हर्शे एंड
So this is what we made just now. So I'm going to have 200 gram of this. ये 400 ग्राम की पैकिंग है, सो अराउंड में 200 ग्राम लूँगा. जितना मेरा मन करेगा उतना खाऊंगा, चाहे मैं 400 ग्राम ही खा लूँ, बट मैं मुझे पता है अराउंड 200 ग्राम खाऊंगा. सो दिस विल गिव मी अराउंड 12 ग्राम ऑफ कार्ब्स. अगर मैं 200 ग्राम लूँ, 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 6 ग्राम ऑफ फैट. लेट्स नॉट ड्रिंक इट, लेट्स ईट इट. सो गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू हैव सम प्रोटीन. सो दिस इज 200 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट एंड मैं इसको लूँगा. आई एम सॉरी अगर आप मेरे को ढंग से सुन नहीं पा रहे बिकॉज किसी के घर मैरिज करा है. सो मैं वे प्रोटीन, जैसे मैं अपनी, जैसे आई टेल यू गाइस कि जब मैं डीप इनटू द कट चला जाता हूँ तब मैं वे प्रोटीन को रिमूव कर देता हूँ जितना हो सके मेरे से, अगर मेरे पास ऑप्शन है उसको रिमूव करने की. एंड इसलिए मैं पिछले काफ़ी टाइम से वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ एंड अपना मोस्ट ऑफ द प्रोटीन चिकन से ले रहा हूँ बिकॉज चिकन जितनी सेटाइटी प्रोवाइड करता है उतना वे प्रोटीन नहीं कर सकता. सो आई एम गुड टू हैव दिस नाउ एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू गाइस कि मैं बाद में क्या खाऊंगा. सो गाइस, एज आई प्रॉमिस्ड दैट आई विल शो यू गाइस एवरीथिंग. सो हैड माय चिकन, आई डिडंट वांट टू ईट एनीथिंग बट आई वांटेड टू हैव समथिंग स्वीट. सो उसके लिए मैंने अपने पास थोड़ा सा चॉकलेट्स वगैरह रखी हैं एंड उनकी भी मैंने ये स्मॉल पैकिंग रखी है, जैसे मंच की स्मॉल पैकिंग है, क्योंकि ये अराउंड 50 कैलोरीज है एक मंच में. सो इस हिसाब से मैं ओवर ईट इससे नहीं करता हूँ. सो ये मैं 3 मंच लूँगा. सो ये मेरी अराउंड 36 ग्राम ऑफ कार्ब्स मेरी लेंगी, अराउंड 120-140 कैलोरीज लेंगी, बट इट्स ओके मैन, आई जस्ट वांटेड टू ईट समथिंग स्वीट. सो इट्स ओके, मेरे पास कार्ब्स हैं, मेरे पास अराउंड अभी 100 कार्ब्स पड़ी हैं, सो मैं इतनी को दे सकता हूँ. एंड फॉर द रेस्ट आई हैव चिकपीज एंड सम अदर स्टफ, मे बी पोटैटोज एंड आई विल शो यू गाइस माय लास्ट मील. सो टाइम फॉर आर लास्ट मील एंड आई क्विकली शो यू कि क्या मैं उसमें लूँगा. आई एम गोइंग टू हैव 160 ग्राम ऑफ ब्लैक चिक पीस, दैट विल गिव मी अराउंड 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 32 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 4 ग्राम ऑफ फैट. मैं फाइबर को कार्ब्स में नहीं काउंट करता हूँ. 100 ग्राम ऑफ पोटैटोज जो मुझे देंगे अराउंड 20-22 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन. मेरा लास्ट वाली मील से कुछ चिकन बढ़ा है अराउंड 70-80 ग्राम, ये भी मैं अभी लूँगा एंड 200 ग्राम ऑफ ऑरेंजेस. सो दैट्स इट गाइस, दैट्स माय फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो. मेरा फूड ऑन अ कट मोस्टली सेम ही रहता है. सो ऐसा ही फूड मैं खाऊंगा नॉर्मली, मे बी कभी मैं चपाती ऐड कर लूँगा स्टफ लाइक दैट, बट हाँ मोस्टली मैं फूड को ज़्यादा चेंज नहीं करता हूँ ड्यूरिंग कटिंग बिकॉज वो आपकी एडहेरेंस के लिए सही होगा, आपके लिए अच्छा होता है, यू नो, आपका सेटाइटी लेवल मेंटेन रहता है, सो एंड स्टफ लाइक दैट. सो या आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है. अगर पसंद है मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.